नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब ऑनलाइन लगेगी शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की शिक्षकों व विद्यार्थियों की हाजिरी अब ऑनलाइन लगेगी। हालांकि यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों व शिक्षकों का डाटा पहले से उपलब्ध है, लेकिन अब विद्या समीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों और शिक्षकों का डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन ली जाएगी। बताया जा रहा है कि 8 लाख विद्यार्थी व लगभग 80,000 शिक्षकों का डाटा यूडाइस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। हर जिला में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस केंद्र में जिला के छात्रों व शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके बाद समग्र शिक्षा इसे जांचेगा। हालांकि शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र में अब इसे पायलट तौर पर शुरू किया गया है। रामपुर के दत्तनगर में 21 करोड़ से बनेगा कोल्ड स्टोर, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया शिलान्यास। राष्ट्र बागवानी जनजाति विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने शनिवार को शिमला जिले के रामपुर के दत्तनगर में 21 करोड़ की लागत से बनने वाले कोल्ड स्टोर का शिलान्यास किया। इस कोल्ड स्टोर में 2500 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ 1,25,000 से पेटियों का भंडारण होगा। कोल्ड स्टोर से 4 जिलों के बागवानों को फायदा होगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और विधायक नंदलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू केलांग से करेंगे इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 फरवरी को लाहौल के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केलांग में शरद उत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को भी शुरू करेंगे। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम सवा 2 घंटे के प्रस्तावित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यो में 17,11,00,000 रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश में 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे 3 नए आपराधिक कानून, सरकार ने जारी की अधिसूचना। आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित 3 नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आगामी 1 जुलाई से लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की पहली अनुसूची में शामिल धारा 106 सबसेक्शन 2 से संबंधित प्रविष्ट के प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अधिसूचना में कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 106 की उपधारा 2 के प्रावधान को छोड़कर उक्त संहिता को 1 जुलाई 2024 से पूरी तरह से लागू करेगी। गौरतलब है कि मोटर्स ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 उपधारा 2 पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें हिट एंड रन मामले में 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। सरकार ने हालांकि कई बैठकों के बाद आश्वासन दिया था कि इस धारा को लागू करने पर निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद ही होगा। आपराधिक कानूनों को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने वाले 3 संशोधित विधेयक दिसंबर 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए थे। हिमाचल में बांस उत्पादकों की बनेगी सहकारी सभा, खोलेंगे रोजगार के द्वार। हिमाचल प्रदेश में बांस उत्पादकों के लिए प्रदेश सरकार एक सहकारी सभा बनाएगी, ताकि उनके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहचान मिल सके और उनकी आर्थिकी में भी बेहतर सुधार हो सके। ये बात शनिवार को घुमारवी में जायका वानिकी परियोजना द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए TCP हाउसिंग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कही है। हिमाचल में 3 मार्च को 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। हिमाचल में 3 मार्च को 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों, बूथ और मोबाइल टीमों द्वारा पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। प्रदेश के 5,870 बूथ और 257 मोबाइल टीमों के माध्यम से 59,65,170 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को पोलियो की खुराक देने पर विशेष बल दिया जाएगा, ये जानकारी स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने दी है। FD शेयर के नाम पर 10 लोगों से 11,55,000 रुपए ठगे,
बैंक में ताला लगाकर आरोपी महिला फरार है। ऊना शहर में लॉकडाउन के बाद खुले एक निजी बैंक के प्रबंधन पर शेयर और एफडी के नाम पर 11,55,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में करीब 10 लोग पीड़ित है, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने बैंक की निदेशक के खिलाफ धारा 420 व 406 IPC के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर SPU मंडी से, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने जारी की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए डेट शीट। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी SPU मंडी की ओर से UG और PG की सेमेस्टर परीक्षाओं की अंतिम डेट शीट जारी कर दी गई है। पहले और तीसरे सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों और दूसरे चौथे सेमेस्टर की रीअपीयर परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होगी और 18 अप्रैल तक चलेगी। सुबह के सत्र में परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक होगी, जबकि शाम के सत्र में परीक्षाएं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 से 27 मार्च तक चलेगी। दूसरे और चौथे सेमेस्टर की रीअपीयर परीक्षाएं 28 मार्च से 18 अप्रैल तक चलेगी। पूर्व विधायक बम्ब ठाकुर पर जानलेवा हमले के विरोध में समर्थकों ने निकाली रोष रैली, भाजपा का जलाया पुतला। कांग्रेस पार्टी के राज्य महासचिव और पूर्व विधायक बम्ब ठाकुर पर बीते दिन नौणी में रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनी के कार्यालय परिसर में किए गए जानलेवा हमले के विरोध में वीरवार को बिलासपुर नगर के कोली चौक पर सदर खंड के कांग्रेस प्रधान देश राज ठाकुर के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए रोष रैली निकाली गई। इस रैली को देश राज ठाकुर के अतिरिक्त नगर परिषद प्रधान कमलेंद्र कश्यप, जिला महासचिव एडवोकेट प्रवीण शर्मा और रणवीर सिंह चंदेल आदि सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। भक्तों ने स्पष्ट रूप से एक भाजपा नेता का नाम लेते हुए उनका हमलावरों के साथ मिले होने तथा उनके उकसावे पर ये हमला किए जाने के अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार और पुलिस से इस राजनेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से, गृह जिले में नहीं लौट पाए जनजातीय क्षेत्र के परीक्षार्थियों को स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बर्फबारी या अन्य कारणों से अपने गृह जिले नहीं लौट पाए परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा बोर्ड प्रशासन के ध्यान में आया कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले बहुत से परीक्षार्थी किन्हीं कारणों से अपने गृह क्षेत्र में वापस नहीं लौट पाए हैं। परीक्षार्थियों को उनके आवंटित परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने में समस्या आ रही है। इसको देखते हुए बोर्ड की ओर से निर्णय लिया गया कि ऐसे परीक्षार्थी बोर्ड को संपर्क कर सकते हैं कि वे किस स्थान पर फंसे हैं। उनकी परीक्षा लेने का प्रबंध बैंक के नजदीकी परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों का विवरण आदि केंद्र समन्वयक अधीक्षक और उप अधीक्षक के संज्ञान में आता है तो वे बोर्ड कार्यालय में संपर्क कर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करें। वेदर अपडेट, मौसम ने बदला मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू। शनिवार को बदले मौसम के मिजाज के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शिमला व कुफरी सहित कुछ स्थानों पर बर्फ के हल्के फाये गिरे। मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों व टनल के दोनों छोर पर हिमपात हो रहा है। शाम के समय माल रोड मनाली में भी बर्फ के फाये गिरे। लाहौल सहित मनाली प्रचंड शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार व सोमवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर बर्फबारी व वर्षा हो सकती है, जबकि मध्य और मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 26 व 27 फरवरी को येलो अलर्ट के बीच मैदानी इलाकों में एक दो स्थानों, मध्य पर्वतीय इलाकों व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात व वर्षा की संभावना है। शीतलहर चलने से कई क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान -1 में चला गया है। पंचायत प्रतिनिधियों की दो टूक, बोले 4 गुना मुआवजा नहीं दिया तो एयरपोर्ट विस्तारीकरण भूल जाए सरकार। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। फैक्टर 2 के तहत प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया जाता तो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण सरकार भूल जाए। शनिवार को धर्मशाला में गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावितों के लिए राहत एवं पुनर्वास प्रारूप कमेटी की DC कांगड़ा हेमराज बैरबा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तारीकरण से प्रभावित पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान व अन्य प्रतिनिधियों ने दो टोका है कि विस्थापकों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। राजीव इंद्र बोले, चुनाव में दी ग्रांटियों का जिक्र करने से बच रही है कांग्रेस सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव इंद्र ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई ग्रांटियों का जिक्र करने से बच रही तथा इन्हें मीडिया में दिए गए विज्ञापनों से भी गुल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार अपना एजेंडा बदलने का प्रयास कर रही है। शिमला से जारी बयान में राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार ने जो भी विज्ञापन जारी किया है उसमें कई ग्रांटियों का जिक्र नहीं है। इसमें प्रदेश की 22 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना मिलना था,
उसका कोई जिक्र नहीं है। आज तक इसके तहत एक भी वैन को एक पैसा तक नहीं मिला है। खबर चंबा से, जोत में बर्फ का दीदार कर घर लौट रहे पर्यटकों के साथ हादसा, 2 की मौत, 3 गंभीर घायल है। चंबा चुवाड़ी वाया जोत मार्ग पर कोट के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को नागरिक अस्पताल चुवाड़ी में उपचार के बाद टांडा रेफर कर दिया गया है, वहां उनका उपचार चल रहा है। चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, निचले क्षेत्रों में तूफान ने मचाया कहर। मौसम की बिगड़े मिजाज ने जिला वासियों की चिंता बढ़ा दी है। 3 दिन पहले हुई बर्फबारी व बारिश से प्रभावित जनजीवन अभी तक पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। वहीं शनिवार को एक बार फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है और निचले क्षेत्रों में बारिश होती रही। बारिश के अलावा अंधड़ व तेज तूफान ने भी कुछ समय के लिए खूब कहर मचाया, जिससे लोग बुरी तरह से सहम गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन घरों की छतों से सामान उड़ गया, वहीं फसलों को भी नुकसान हुआ है। उधर लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बंद 4 और मार्गों को बहाल कर दिया है। अब जिले में सिर्फ 34 सड़कें ही अवरुद्ध है, इनमें से पांगी में 25 सड़कें बंद पड़ी है। इसके अलावा सलोनी में 6 और 3 सड़कें बरमोर में बंद है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए बर्फबारी व बारिश में भी लगातार काम कर रहे हैं। शनिवार शाम तक बिजली बोर्ड ने 98 और बिजली ट्रांसफार्मरों को चालू कर दिया। अब जिले में 49 ट्रांसफार्मर ही बंद पड़े हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो आप जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।